दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों प्रयागराज में एक हाउस बनने वाला था जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर्स का है, जो कि इंडियन रेलवेज का पार्ट है ये DFC प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों इसी बारे में हम आपको अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है पूरा हाउस बनकर तैयार हो गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा हाउस बनकर तैयार हो गया है जो कि ये पार्ट है इंडियन रेलवेज का DFC प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो काम है ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। भावपुर से प्रयागराज के बीच बनना है 236 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों इसका अपडेट बताने वाले हैं आपको। दोस्तों ये जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम ने अब रफ्तार पकड़ लिया है। भावपुर से खुर्जा के बीच DFC लाइन शुरू होने के बाद भावपुर से प्रयागराज के बीच 236 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक के निर्माण को दिसंबर 2021 तक पूरा करने की तैयारी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार ने भावपुर से सरसोल के बीच चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने सागर और आगरा मार्ग पर बन रहे दोनों ROB का काम भी देखा। अफसरों ने बताया कि सागर मार्ग पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का काम करीब 70% पूरा हो चुका है। यहां स्टील गार्डर रखने का काम चल रहा है, जबकि आगरा रोड पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का काम अक्टूबर तक हो जाएगा। यहां गार्डर रखने और मिट्टी भरने का काम होना है। नौबस्ता में पांडु नदी के कानपुर घाटमपुर मार्ग पर बनाया जा रहा ओवरब्रिज का काम भी तेज हो गया है। इससे अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है। कानपुर आगरा मार्ग पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का काम अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। DFC के प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने बताया कि भावपुर से प्रयागराज के बीच 236 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बिछाना है, जिसमें 180 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम हो चुका है। तो दोस्तों ये हमने आपको अपडेट दी, ये हाउस पूरा बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।